हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि आखिर वो टेंसेस सीख क्यों नहीं पाते। कई सारे बुक्स में से स्टडी करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में बहुत मोटा पैसा देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश एंड दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई स्टूडेंट फेल्ड इन लर्निंग इंग्लिश। राइट, होता क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इस टॉपिक में आप अभी पढ़ेंगे, राइट? लेकिन क्या आपको ये पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किससे कनेक्टेड है? वो फ्यूचर इंडेफिनिट से है। इसी तरह से प्रेजेंट के भी चार होते हैं और पास्ट के भी चार होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रीवियस वीडियोस को देखकर एंड बहुत अच्छे से टेंसेस को सीख सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो से भी सही से कनेक्ट हो पाओ। और अगर आपकी कनेक्टिविटी हर वीडियो से बनेगी तो आप धीरे धीरे ग्रामेटिकली इसको समझने लग जाएंगे कि आखिर टेंसेस हैं क्या और इनको किस तरीके से सीखा जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वे में आप सभी लोगों को सभी टेंसेस को सिखाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप उसमें जाएंगे और अभी जाके चेक करेंगे और वहां से सारे टेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सबसे पहला रूल क्या होता है, इसमें आपको इसकी पहचान समझनी होती है कि आखिर हिंदी का कौन सा वाक्य है जिसको आप इजीली समझ जाएं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे होगा, आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वह आराम कर रही होगी, सीता खाना बना रही होगी, मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, राइट? या मैं ये बोलूं कि 3 घंटे बाद यहाँ पर बस आ रही होगी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि 2 घंटे के बाद पिताजी घर पर पहुँच रहे होंगे, या मैं बोलूं कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम तब हो रहा होगा, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रूल क्या है। रूल है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे विल, विल के बाद लगाएंगे बी, विल बी को एक साथ रखना है उसके बाद, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब में आईएनजी रहती है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, वेरी सिंपल, राइट? विल बी वर्ब के साथ आईएनजी, ये इसका मेन पार्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है, यानी कि सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है, यानी कि जो कर्ता होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, यानी कि फिल्म का हीरो, राइट? तो यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए, वह आराम कर रहा होगा, इसको हम इस जो हमारा ये रूल है इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है। कैसे किया है? आराम कौन कर रहा होगा? वह, यानी कि ये आराम कर रहा होगा, तो वह के लिए हमने क्या लगाया, क्योंकि ये रही होगी लगा हुआ है, तो इसीलिए वह आराम कर रही होगी, लड़की है, लड़की है, तो हमने क्या लगाया, शी, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी, विल बी को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, विल बी। उसके बाद आराम करना मतलब होता है टेक रेस्ट, राइट? टेक रेस्ट, तो टेक के साथ हम लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद लगा देंगे रेस्ट, शी विल बी टेकिंग रेस्ट, वह आराम कर रही होगी, राइट? अब ये था इसका रूल नंबर 1, यानी कि फर्स्ट रूल, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं नहीं होता, नॉट का यूज नहीं होता। दूसरा वो सेंटेंस होता है सेकंड, जिसके अंदर नहीं का यूज होता है, जैसे यहाँ 2 दिन बाद काम नहीं हो रहा होगा, मम्मी 3 दिन के बाद खाना नहीं बना रही होगी, ऐसे सेंटेंस, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट प्लस विल, और विल और बी के बीच में, यानी कि इस विल बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, यहाँ पे नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट बी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, विल बी के बाद नॉट लगाते हैं, नहीं, विल के बाद नॉट लगाइए फिर आप बी लगाएंगे, राइट? तो सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी, इसके 6 रूल्स होते हैं, 6 के 6 रूल्स में वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस, वह खाना नहीं बना रही होगी, तो अब कौन नहीं बना रही होगी, लड़की कोई, राइट? तो क्या इंग्लिश बनेगी, वह खाना नहीं बना रही होगी, तो अब मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखिए शी क्योंकि वह, और विल नॉट बी ये हमने लगाया, विल नॉट बी, अब क्या नहीं कर रही होगी, खाना बना रही होगी, विल नॉट बी कुकिंग, कुकिंग में हम लगाएंगे आईएनजी, शी विल नॉट बी कुकिंग, और क्या नहीं बना रही होगी, खाना, यानी कि फूड, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, ये हम सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम कर लेंगे। अच्छा, अब मैं, अब अगर आपसे कहूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किसी से सवाल करें, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये था नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम इंटरोगेटिव यानी कि किसी से सवाल करें या क्वेश्चन पूछें, तब हमें क्या करना होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आपके पिताजी कल मुझसे मिल रहे होंगे, क्या 2 दिन के बाद आप
मेरे बर्थडे पर आ रहे होंगे, या मैं आपसे बोलूँगा कि क्या 3 साल बाद यहाँ पर एक मकान बिक रहा होगा। इस तरह का सेंटेंस अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी कि प्रश्नवाचक सवाल को किस तरह से बनाते हैं उसका रूल देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले फ्रंट में लाना होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि वो कर्ता जो उस वाक्य के अंदर है जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप लगाएंगे बी, बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जितने भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं ना आईएनजी वर्ब के साथ उसमें रहेगी, ये बात अपने दिमाग में ना बैठा लो आप, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर इन द आउट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर पुटिंग टू समवन एल्स, राइट। तो आपने ये रूल बनाया। Now, what you have to do? You have to convert this Hindi sentence into English. क्या वह पढ़ रहा होगा? क्या वह पढ़ रहा होगा? तो English क्या बनेगी? Will he be? क्या वह पढ़ रहा होगा? Will he be? He, यानी कि वह, will he be studying? पढ़ रहा होगा। क्या पढ़ रहा होगा? वो इसमें mention नहीं है। अगर मैं बोलूँ वह किताब पढ़ रहा होगा, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा तो होगा विल ही बी रीडिंग द बुक, तो वहाँ पे रीडिंग यूज़ होगा क्योंकि किताब पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि वो स्टडी कर रहा होगा, तो विल ही बी स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा, इस तरह से बन जाएगा, राइट। दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि इसके नेक्स्ट यानी कि इसकी WH फैमिली में यानी कि वाई में या हु में, विच में, वेयर में, इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाने हो तो किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप अगर बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। कन्फ्यूजन में मत रहना, अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए वह पढ़ रहा होगा, ये फर्स्ट रूल था। अगर हम इसमें नकारात्मक बनाते हैं तो वह नहीं पढ़ रहा होगा, ये सेकेंड रूल हो जाता है। जब थर्ड रूल होता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो इस तरह से थर्ड रूल होता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ रूल यानी कि क्या वह पढ़ नहीं रहा होगा, क्या वह आ नहीं रहा होगा, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, विल लगता है, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के बी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, कंटीन्यूअस टेंस है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या वह सो नहीं रहा होगा। अगर मैं बोलूं क्या वो सो नहीं रहा होगा, मैं उससे मिलने जाऊं, आपने बोला हाँ उससे मिलने जाओ, तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या वो सो तो नहीं रहा होगा, तो क्या वह सो नहीं रहा होगा, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लगाएंगे विल, हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में, अब बात किसकी हो रही है, इस वह की, तो रहा होगा यानी कि लड़का है, तो इंग्लिश बनेगी विल ही, फिर हम लगाएंगे नॉट बी, विल ही नॉट बी, और उसके बाद सोने की इंग्लिश क्या होती है स्लीप, और स्लीप में हम लगाएंगे आईएनजी, तो इंग्लिश बन जाएगी विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह सो नहीं रहा होगा। अगर हम इसको WH फैमिली यानी कि वाई में, यानी कि WH फैमिली में अगर इस सेंटेंस को फ्रेम करें तो क्या करेंगे, जैसे वह काम क्यों कर रही होगी, वह क्यों सो रहा होगा, तुम इस वक्त मुझसे क्यों मिलने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस क्यों में या कब में, कहां में, वो कब वहां पर पहुंच रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस अगर बनाने हैं तो WH फैमिली तो कोई भी हो सकती है, तो हम उसको यहां पर लगा सकते हैं। बट हमें रूल क्या लगाना है वो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई के साथ हम क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब वाई विल, विल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, विल बी, बीच में सब्जेक्ट, वाई विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब वह काम क्यों कर रही होगी, अब इसको हमें रीज़न बताना है, हम पूछ रहे रीज़न, भाई वो काम क्यों कर रही होगी, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये है सवाल। तो वह काम क्यों कर रही होगी, इंग्लिश बनेगी वाई विल, ठीक है, फिर हम लगाएंगे शी बी, वाई विल शी बी, और काम करने की इंग्लिश क्या होती है वर्क, वर्क में लगा देंगे आईएनजी, तो इंग्लिश बनेगा वाई विल शी बी वर्किंग, Why will she be working? वह काम क्यों कर रही होगी, तो आंसर तो कुछ भी हो सकता है, she will be working because she will be doing some extraordinary work, कुछ ऐसा लगा सकते हैं, right? वो काम कर रही होगी क्योंकि वो कुछ अलग कर रही होगी, तो इस तरह से आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आंसर तो हम फर्स्ट रूल में देते हैं, मैंने आपको पहले सिखा दिया। Why will she be working? ये हमारा फिफ्थ टाइप हो गया, राइट। अगर हम इसको सिक्स टाइप में कन्वर्ट करें यानी कि वो काम क्यों नहीं कर रही होगी, तुम उससे मिलने क्यों नहीं आ रहे होंगे, 2 साल बाद यहाँ पर मकान क्यों नहीं बन रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे सिक्स टाइप के अंदर। तो यहाँ पर है वाई विल, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट, ध्यान रखिएगा, फिर हम लगाएंगे बी, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सब कुछ सेम है, बस आपको सब्जेक्ट और बी के बीच में यहाँ पर क्या लगाना है नॉट लगा देना है यहाँ पर, राइट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैं इंग्लिश ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, why will you not be
watching, why will you not be watching my video? My video. तो क्या सेंटेंस बना? Why will you not be watching my video? आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे होंगे? आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे होंगे? Why will you not be watching my video? इस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम कर लेंगे. Very simple. तो ये था दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वो थर्ड जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे, और ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. इस तरह से हम हर एक सेंटेंस को सिक्स टाइप में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को. प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट के भी चार थे, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट मैंने आपको करवाया था, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में मैंने आज आपको छः के छः बता दिए. इसी तरह से सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं. ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको इसको खुल के बताया गया है. राइट, उसमें आप देखिए, एक एक करके देखते जाएंगे ना, आप बहुत जल्दी सीखते चले जाएंगे. चलिए फिर इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ. मैं एक हिंदी आपको दे रहा हूँ, उसकी इंग्लिश आपको कन्वर्ट करनी है, और जब आप उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कितना सटीक है, और मुझे ये भी पता लग पाएगा कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं. राइट, तो दोस्तों सेंटेंस आपको दे दिया है, इसको आप ज़रूर करिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.